कल हम लोग बात कर रहे थे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग उसी का पार्ट 2 देखेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है, विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर साउदर्न नेबर्स। तो कल हम बतलाए थे कि इंडिया का है ना साउदर्न पार्ट में आपका 2 आइलैंड कंट्रीज है। एक यहाँ पे हमारा कौन है, श्रीलंका, और दूसरा यहाँ पे क्या है, छोटा सा मालदीव्स। दूसरा कौन है, मालदीव्स। उसी के बारे में हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। द आइलैंड कंट्रीज दैट आर आवर साउदर्न नेबर्स आर श्रीलंका एंड मालदीव्स, ठीक है, श्रीलंका एंड मालदीव्स। मालदीव्स आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप है ना, इस मैप में तो पूरी तरह नहीं है, लक्षद्वीप के नीचे, लक्षद्वीप के नीचे। लक्षद्वीप हमारा एक स्टेट है ना भाई, तो लक्षद्वीप के नीचे साउदर्न पार्ट में हमारा कौन सा है, तो मालदीव्स। कौन है, मालदीव्स, ठीक है। और लक्षद्वीप जो, सॉरी मालदीव जो है वो कौन सा सी में है, अरेबियन सी में। किस में है ये, अरेबियन सी में, ध्यान रखना है। लक्षद्वीप किस में है, अरेबियन सी में, ठीक है। वेयर एज श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल। नैरो मतलब संकीर्ण, ठीक है। और चैनल का मतलब वो आज तक जी न्यूज, स्टार प्लस, उसकी बात नहीं हो रहा है। ऑफ सी फॉर्म बाय पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। यहां पर देखोगे ये इंडिया का मेन लैंड है और ये क्या है तुम्हारा, श्रीलंका का मेन लैंड है, और इसी के बीच का ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, पाक स्ट्रेट। क्या कहलाता है, पाक स्ट्रेट। इसी तरह से ये इंडिया का जो तुम्हारा क्या है, तमिलनाडु, और ये तुम्हारा क्या हो गया, श्रीलंका। तो ये जो एरिया है ये क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार। ये क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। ये आपका क्या कहला रहा है, देखोगे यहाँ पर एक इमेज जहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं है ना, ये क्या है, राम सेतु ब्रिज। राम सेतु ब्रिज जिसका उल्लेख जो है ना रामायण में मिलता है कि भगवान राम जो है जब वो श्रीलंका जा रहे थे रावण से युद्ध करने, तो जो सेतु बना था तो राम सेतु ब्रिज का अवशेष वही है जो अभी कहां पे है, अंडर सी है, अंडर सी है, समुद्र के अंदर है। ऐसा नहीं कि इसका साक्ष्य नहीं है, यूपीए गवर्नमेंट में इसको तोड़ने की बात हुई थी, समझ गया ना, यूपीए जिस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे ना मोदी जी के पहले, तो उस समय इस राम सेतु को तोड़ा जा रहा था। किस लिए, ऐसा नहीं कि कोई धार्मिक भावना को आहत करने के लिए, सी रूट्स को बेहतर बनाने के लिए, समुद्री रास्ते को और बेहतर बनाने के लिए, सी रूट्स को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन उस समय ये इससे हमारी आस्था जुड़ी हुई है, तो काफी लोगों का इसका विरोध किया गया, काफी लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया कि राम सेतु को तोड़ना नहीं है, समझ गया ना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके ऊपर स्टे लगा दिया गया, इसके रिमेनेंट्स आज भी मौजूद है, भले हम लोग राम सीता कृष्ण माने या ना माने, लेकिन मिकी कृत जो रामायण उसमें जो राम सेतु का जिक्र किया गया उसका अवशेष आज भी मौजूद है। और यूपीए गवर्नमेंट में ना इसको तोड़कर सी रूट्स के बेहतरीन के लिए तोड़ने की बात हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके ऊपर स्टे लगाया गया कि नहीं तोड़ना, क्योंकि लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। चलिए ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यदि कि इंडिया को और श्रीलंका को सेपरेट करने वाला चैनल कौन है, ये आपको याद रखना है, पाक स्ट्रेट, यानी पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है, और कौन, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, ध्यान रखना, ठीक है, इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करने वाला, ठीक है। अब यहां पर सर जो अब हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं ये एक आपके एनसीईआरटी में एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और जनरली आपके किसी न किसी एग्जाम में 4 मार्क्स का एटलीस्ट ये क्वेश्चन पूछेगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है, पहले इसको समझिए।
कि अरुणाचल प्रदेश में जो सनराइज होता है उसके 2 घंटे के बाद आपका गुजरात में होता है। मान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश, कल मैं बताया था ना लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के समय, इस साइड में अरुणाचल प्रदेश और ये साइड में गुजरात कच्छ। मान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 5 बजे सनराइज हो रहा है, सूर्य जो है वो उग जा रहा है, लेकिन वही सनराइज गुजरात में कितना बजे हो रहा है? 7 बजे, 2 घंटे डिले से। क्यों? अपोजिट में आइए, हो सकता है कि आपके अरुणाचल प्रदेश में शाम के 6 बजे सनसेट हो गया। मान लीजिए सनसेट अरुणाचल प्रदेश में आपके कोई रिलेटिव है, 6 बजे आपने कॉल किया, बोला इधर तो अंधेरा हो गया, सनसेट हो गया, लेकिन आप उस समय कहां पे हो? गुजरात में। आप कह रहे नहीं, हम तो पार्क में घूम रहे आराम से, यहां तो अभी सनसेट नहीं हुआ, और वहां पे 2 घंटे के बाद हुआ, लगभग 2 घंटे के बाद, एग्जैक्ट नहीं, लगभग 2 घंटे। तो ये इंडिया ही है ना जी, अरुणाचल प्रदेश भी इंडिया में है और गुजरात भी कहां पे है? इंडिया में। फिर ये 2 घंटे का डिफरेंस क्यों? 2 घंटे का डिफरेंस क्यों? तो इसको आपको समझना होगा। कल हम आप लोग को बताए थे लॉन्गिट्यूड्स, कल बताए थे ना लॉन्गिट्यूड्स। देखिए लॉन्गिट्यूड्स कैसे होते हैं, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है? याद रखना, अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो आपका ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, इधर क्या होगा? ईस्ट, और इधर क्या होगा? वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस होने पर, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस होने पे टाइम में 4 मिनट्स का डिफरेंस होता है। समझ गए? 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का अभी समझा रहे। मान लीजिए ये आपका 20 डिग्री है, ये मान रहे हैं ये 21 डिग्री है, ठीक है? तो 20 से 21 पे जब आएंगे तो 4 मिनट का टाइम में डिफरेंस होगा। समझ गया ना, टाइम में कितना का डिफरेंस होगा? 4 मिनट्स का डिफरेंस होगा। यानी यहां पर मान लो ए नाम का कोई जगह है जो 20 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पे है, और बी नाम का कोई एक जगह जो कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पे है? 21 पे। तो दोनों जगह की घड़ी में यदि देखोगे तो टाइम का डिफरेंस कितना मिनट का होगा? 4 डिग्री का, और सॉरी 4 मिनट्स का। समझ गया ना, ईस्ट से जब वेस्ट की ओर आएंगे तो ये 4 मिनट्स जो टाइम है वो ऐड होगा, बढ़ते चला जाएगा। इधर से इधर आएंगे तो 4 मिनट टाइम क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन वेस्ट से यदि ईस्ट की ओर आ रहे, वेस्ट से ईस्ट की ओर यदि आएंगे तो 4 मिनट टाइम कम होगा। इधर से इधर जा रहे हैं तो 4 मिनट टाइम बढ़ेगा, लेकिन इधर से इधर आ रहे हैं तो 4 मिनट टाइम कमेगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ गए? अरुणाचल प्रदेश, अब फैक्ट्स को समझिए। अभी आप कैलकुलेट करवाएंगे, अभी रुकिए ना आप लोग से। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ये दोनों प्लेस के लॉन्गिट्यूड्स में डिफरेंस लगभग कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का। कल लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस हम बताए थे ना, इधर कितना और इधर कितना, अभी हम मैथमेटिक कैलकुलेशन करवाएंगे। लगभग कितना डिग्री का डिफरेंस है? 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है। अभी हम क्या बताएं कि 1 डिग्री पर, 1 डिग्री पर डिफरेंस कितना मिनट्स का हो रहा है? 4 मिनट्स का। तो 30 डिग्री पे कितना होगा? 4 × 30 मिनट्स, तो मतलब कितना हो गया सर? 120 मिनट्स। और 120 मिनट्स का मतलब कितना हो गया? 2 आवर्स। 2 घंटा हुआ कि नहीं हुआ? यानी अरुणाचल प्रदेश में सनराइज कितना बजे होगा? 5 बजे। तो गुजरात में कितना बजे होगा? 7 बजे।
ये जस्ट किसकी वजह से हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस की वजह से, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे तो एक डिग्री लॉन्गिट्यूड में यदि डिफरेंस होगा तो वो कितना मिनट का डिफरेंस हो जाएगा, 4 मिनट्स का। और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री का, लगभग 30 डिग्री का, एग्जैक्ट नहीं। तो 30 डिग्री में कितना का डिफरेंस हो गया, 120 मिनट्स। 120 मिनट्स को यदि हम आर्स में बदलेंगे तो कितने आर्स हो गए, 2 आर्स। यही लिखना है आपको कैलकुलेट करके। अब समझिए, द सन राइजेज 2 आर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश में सन जो है वो राइज करता है एज कंपेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, बट द वॉचेस शोज द सेम टाइम। हाउ डज दिस हैपन? देखिए, द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इंडिया इज अबाउट कितना, 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री। द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड इज अ स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। नॉर्थ और साउथ मतलब ऊपर से साउथ की ओर ज्यादा डिफरेंस है, और इधर जो है वो क्या है, कम है। इधर क्या है, कम, और इधर क्या है, ज्यादा। माइनस करके देखिए, देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में जो टाइम का डिफरेंस हो रहा है, एज अरुणाचल प्रदेश लाइज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। अरुणाचल प्रदेश कहां पे है, इंडिया के ईस्टर्न साइड पे, कहां पे, ईस्टर्न साइड पे, ठीक है। द सन राइजेज हियर अर्लियर व्हेन कंपेयर टू गुजरात, किसकी तुलना में, गुजरात की तुलना में। द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम, लेकिन हमारे घड़ी जो है, कल बताए थे पूरे इंडिया का जो टाइम मैनेज किया जाता है वो कहां से, कल बताए थे यूपी में मिर्जापुर, 82.5 डिग्री बताए थे कल, मिर्जापुर, यूपी का मिर्जापुर, नैनी एक जगह है, कल बताए थे ना, वहां के टाइम से पूरा इंडिया का टाइम मिलाया हुआ। अरुणाचल प्रदेश में भी जितनी घड़ियां हैं सब कहां का लॉन्गिट्यूड से मिला हुआ है, मिर्जापुर से, और गुजरात वाले में भी। इसलिए टाइम में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, समझ गया ना, सबकी घड़ी में सेम है, लेकिन सनराइज और सनसेट में डिफरेंस हो रहा है, वो किसकी वजह से, लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस की वजह से, ठीक है। पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, सो वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देयरफॉर द वॉचेस शोज द सेम टाइम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। वॉचेस जो है वो पूरे देश में एक टाइम बताएगा, नहीं तो सोचो ना, ट्रेन तो एक्सीडेंट होते रहेगा जी, यहाँ पे टाइम कुछ बता रहा है, वहां पे टाइम कुछ और बता रहा है, तब तो ट्रेन एक्सीडेंट कर जाएगा। आइए यहाँ पर अब इस चीज को देखिए, आपका ये अरुणाचल प्रदेश है, कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, 97 डिग्री 25 मिनट्स। ये आपका गुजरात का बता रहा है कितना, 68 डिग्री 7 मिनट्स। जब 97 डिग्री 25 मिनट्स में आप 68 डिग्री 7 मिनट को माइनस करोगे तो डिफरेंस जो आएगा वो 29 डिग्री समथिंग आएगा, 29 डिग्री समथिंग। अभी आप माइनस करके देखोगे ना, ठीक है। और तो उसी को राउंड फिगर में क्या ले लिया जाता है, 30। उसको राउंड फिगर में क्या ले लिया जाता है, नियरेस्ट में 30 ले लिया जाता है। इसीलिए अभी बताए थे कि 1 डिग्री पे टाइम में कितना डिफरेंस, 4 मिनट्स का, कितना, 4 मिनट्स का। तो 30 डिग्री यदि लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 into 4, तो 120 मिनट्स इज इक्वल टू 2 आवर्स। चलिए हो गया। अब कल जो हम बतला रहे थे कि नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया, कल हम बतला रहे थे ना कि यदि हम एरिया में बात करें तो एरिया में हमारा रैंकिंग कितना, वर्ल्ड में 7th, विश्व का 7वां सबसे बड़ा हम देश है, तो इंडिया से बड़ा कौन कौन सा देश है, तो द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया, रशिया, कैनेडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ये देश 6 जो है वो हमसे बड़े हैं, ठीक है।
रुक जाओ चीन, बम लेकर आ रहा है भारत, धमकाओ चीन को, रुक जाओ चीन, बम लेकर आ रहा है भारत। मैं बार बार कह रहा हूं, ट्रिक है, कल तुम लोग बना के लाओगे। रुक जाओ चीन, बम लेकर आ रहा है भारत। क्या लिख बोल रहे हैं, देखो फिर से हम लिख भी दे रहे हैं। रुक जाओ चीन, बम लेकर आ रहा है भारत। चाइना वाला हम लोग को धमकाता है ना जी, तो हम लोग कहीं नहीं धमकाएंगे, बेटा रुक आ रहे बम लेकर, है ना। इसी में आपका ये छह कंट्रीज का नाम है, हेल्प करें। रूस है रूस, क से कनाडा, ये बेकार का है, चीन आ गया, तीन तो हम बता दिए ना, रूस से रूस, क से कनाडा, तीन नंबर में चाइना। यहां पर देखिए, रूस कनाडा चाइना, यूएसए है ना, यूएसए, ऑस, ऑस से क्या हो जाएगा अमेरिका, ये सब हमारे बड़ा है ना, ब से क्या हो गया ब्राजील, ब से क्या हो गया ब्राजील, अब नहीं बताएंगे, खुद सोचना, खुद सोचिए, नहीं होगा तब लास्ट में हम बताएंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है, रशिया इज द लार्जेस्ट ऑल कंट्रीज, रशिया जो है वो क्या है, सबसे बड़ा है एरिया में, एरिया में, पॉपुलेशन में नहीं, पॉपुलेशन में हम लोग इंडिया, रशिया सबसे बड़ा है एरिया में, ठीक है। विथ एन एरिया ऑफ 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, वाइल इंडिया इज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सर ये भी आपका इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, इंडिया का जो एरिया है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए फिल इन द ब्लैंक्स या मल्टीपल चॉइस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रशिया का एरिया आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इंडिया का एरिया आपको याद रखना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कोई दिक्कत, चैप्टर का आपका द इंड हो गया। अब आप लोग घर पर यदि बुक है तो आप लोग निकाल कर पूरा ये चैप्टर थ्रू आउट पढ़ लो, कहीं कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा चैप्टर नंबर वन में जो हमने टच नहीं किया, गारंटी है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो टच नहीं किया गया, समझ गए ना, एकदम गारंटी है, मोदी जी की नहीं मेरी गारंटी है, जाके घर पे देख लो सारे मोस्ट टॉप जितने भी टॉपिक है सब टच कर लिए, ठीक है। अब बाकी के क्लास, अगले क्लास में तुम लोग को इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसका रिवीजन करवाएंगे, फिर उसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, आप प्रिपेयर करिए और फिर किसी दिन आपसे टेस्ट ले लिया जाएगा, ठीक है।